नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रह लक्ष्मी में। आज हम जानेंगे वास्तु टिप्स। ऐसे चकले बेलन का इस्तेमाल खाली कर देगा आपकी जेब, माँ लक्ष्मी हो जाएगी नाराज। तो जानते हैं दोस्तों इससे जुड़े कुछ खास नियम। ज्योतिषी शास्त्र की तरह वास्तु शास्त्र में भी चकला बेलन का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू शास्त्र में कहते हैं कि किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। व्यक्ति की छोटी छोटी गलतियां माँ अन्नपूर्णा समेत माँ लक्ष्मी को भी नाराज कर देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज का अपना एक विशेष महत्व होती है। तो दोस्तों जानते हैं इन्हीं विशेष महत्वों को। वास्तुशास्त्र में चकला बेलन से रोटी बनाने के लिए उसे खरीदने व रखने तक को लेकर भी कुछ नियमों की बात की गई है। वास्तु जानकारों का कहना है कि चकला बेलन खरीदते समय व्यक्ति को कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, वरना इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जानते हैं क्या है वो नियम। वास्तु शास्त्र में हर चीज को लेकर कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। वास्तु जानकारों का कहना है कि अगर आप लकड़ी का चकला बेलन खरीदने जा रहे हैं तो इसके लिए गुरुवार का दिन बेहद खास है। बुधवार के दिन भी आप चकला बेलन खरीद सकते हैं, लेकिन भूल से भी शनिवार और मंगलवार के दिन चकला बेलन ना खरीदें। चकला बेलन खरीदते समय रखें खास। अक्सर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि चकला बेलन खरीदते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दरअसल लोग जल्दबाजी में चकला बेलन खरीद कर घर ले आते हैं। ऐसे चकला बेलन खरीदते समय ध्यान रखें कि वो कहीं से ऊंचा नीचा ना हो। कहते हैं कि रोटी बनाते समय इससे आने वाली आवाज़ वास्तु दोष को उत्पन्न करती है। अगर आपके चकले बेलन से आवाज़ आती है तो ये आवाज़ ग्रह क्लेश और धन हानि का कारण भी बन सकता है। यूं रखे चकला बेलन। वास्तु जानकारों का कहना है कि किचन में चकला बेलन रखने का भी नियम होता है। इसे इस्तेमाल करने के बाद तुरंत धोकर सुखा लेना चाहिए। जानकारों का कहना है कि इस्तेमाल करने के बाद इसे कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा के साथ माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वास्तु टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।